हेलो एवरीवन, माय नेम इज माधव दुजात एंड वेलकम टू ज्ञानशाला विद मस्ती। आज हम बात करेंगे व्हाई इज द सी ब्लू। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि किसी भी चीज़ का कलर क्यों आता है। तो किसी भी चीज़ का कलर इसलिए आता है क्योंकि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक मग है तो इसका ग्रीन कलर है, तो मेरे को ये ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है? तो आपको पता होगा कि लाइट एक वाइट कलर की होती है, वो कोई येलो या फिर ब्लू कलर की नहीं होती है। तो लाइट वाइट कलर की होती है और जो सन से हमें लाइट आती है वो वाइट कलर की होती है। तो इसी चीज़ को न्यूटन ने प्रूव किया था। एक उनकी न्यूटन डिस्क होती है या फिर आपने देखा होगा एक प्रिज्म भी होता है। तो जब भी हम प्रिज्म से हमारी लाइट पास करते तो वो बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाती है, हमारे जो रेनबो के कलर्स हैं उसमें डिवाइड हो जाती है। और न्यूटन्स डिस्क भी यही प्रूफ करती है। एक उसमें एक डिस्क होती है, एक कार्डबोर्ड का पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है, उसको सर्कल की शेप में काटा जाता है और उसमें हर रेनबो के कलर को पेंट किया जाता है। तो और फिर हम जब उस डिस्क को रोटेट करते हैं तो हमें वाइट कलर दिखाई देता है, क्योंकि वाइट कलर इन सभी कलर से मिलकर बनता है। तो अब हम समझेंगे कि कोई भी कलर हमें क्यों दिखता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि लाइट में कौन कौन से कलर्स होते हैं। तो अब इस पे लाइट पड़ रही है और हमारी आईज में आ रही है और आपकी आईज में आ रही है। तो हमारी जो लाइट है उसमें है बहुत सारे कलर्स। तो जो भी कलर ग्रीन बनाता होगा, जैसे अगर रेड कलर है कोई भी चीज़ का, तो जैसे एप्पल है तो उसका रेड कलर होता है। तो हमारी लाइट में जो रेड कलर की लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है और सारी लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है। तो इसलिए हमें रेड एप्पल दिखते हैं, क्योंकि रेड लाइट रिफ्लेक्ट हुई है और हमें दिख रही है। सेम चीज़ होती है बनाना के साथ। तो जब भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो येल्लो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और सब लाइट उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है। अब ऑरेंज की बात करते हैं, तो रेनबो के सारे कलर्स में ऑरेंज तो होता ही नहीं है, ना ही ग्रीन इतना डार्क होता है। तो ये वाले कलर्स कैसे बनते हैं? तो जैसे ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज होता है रेड और येलो का मिक्सचर। तो हमारी लाइट में से और सारी लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है और रेड और येल्लो लाइट का मिक्सचर हमें दिखाई देता है। रेड और येल्लो लाइट रिफ्लेक्ट होती तो उनका मिक्सचर हमें ऑरेंज दिखता है। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी चीज़ का कलर क्यों दिखता है। अब हम देखते हैं कि सी का क्यों हमें कलर दिखता है ब्लू। तो कई लोग सोचते थे कि ये स्काई की रिफ्लेक्शन होती है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा स्काई ब्लू होता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी कि स्काई ब्लू क्यों होता है, तो आप वहाँ पर आके जाके चेक कर सकते हैं। पर हमारे सी में जैसे बर्ड्स भी उड़ती हैं स्काई में, पर हमें उसका कलर तो दिखता ही नहीं है। बर्ड्स का कलर हमें सी में नहीं दिखता। जैसे एरोप्लेन भी सी के ऊपर से जाता है, पर हमें एरोप्लेन का फिगर नहीं दिखाई देगा हमारे सी में। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी ऊपर की चीज़ें नहीं दिख रही है सी में। तो सी का अपना कलर होता है। तो अब इसी में यही थियोरियम है कि हमारी वाइट लाइट आएगी और सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लू के अलावा, और ब्लू कलर हमारा रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में आएगा। और हम बेसिकली यहाँ पर सी वाटर या फिर ओशन वाटर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सारा और कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लू कलर हमारी लाइट में आँख में जाएगा। तो इसलिए हमें हमारा सी ब्लू दिखाई देता है। अब कई लोग कहेंगे कि ये ग्रीनिश ब्लू भी दिखाई देता है, तो इस वो होता है ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से। कई बार ग्रीन भी रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए हमें ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई देता है। पर और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें सी ब्लू दिखाई देता है, और जरूरी नहीं है कि वो ब्लू ही दिखाई दे। हमें कई बार रेड भी दिखता है और कई बार ग्रीन भी दिखता है, बिल्कुल ग्रीन दिखता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें हमें रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है एक एल्गी या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जैसे आपने देखा होगा एल्गी का कलर ग्रीन होता है, तो जब सी के सरफेस पर एल्गी जमा हो जाती है तो हमें वो ग्रीनिश दिखाई देता है, और वो डार्क ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि ग्रीनिश ब्लू अलग कलर होता है और डार्क ग्रीन अलग होता है। तो
एल्गी का कलर डार्क ग्रीन होता है, इसलिए हमें कई बार जब एल्गी इकट्ठा हो जाती है सी वाटर पर, तो इसलिए हमें ग्रीन दिखता है। और रेड कलर का भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे एल्गी होती है, वो हमारे सी पर इकट्ठा हो जाती है, इसलिए हमें कई बार रेड सी भी देखने को मिलता है, और कई जगह पर देखने को मिलता है, और ये इतना कॉमन नहीं है, पर हाँ रेड कलर का सी भी होता है। तो होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय।